Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. यहाँ पे आज बनाएंगे देसी चिकन का करी. यहाँ पे देसी चिकन को अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है. अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में सारे चिकन डाल देंगे. ये चिकन का करी कुछ अलग तरीके से आज बना रही हूँ. उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा. चिकन डाल के फिर दो प्याज लंबाई में काट के रखा था उसको भी डाल दिया है. दो टमाटर डाल दिया है काट के. बहुत सारा लहसुन, मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाल दिया है. दो चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये रहा सरसों का तेल. सरसों का तेल ये रेसिपी में बहुत ही ज़रूरी है. सरसों का तेल ही यूज़ करना है इस ताकि अच्छा फ्लेवर आए. और दो तेज पत्ता भी डाल दिया है. अब इसको अच्छे से मिला लेंगे. अब चाहे तो हाथों से भी मिला सकते हैं या फिर इसी तरह स्पैचुला के मदद से भी मिला सकते हैं. अगर आपके पास टाइम है तो मैरिनेट करके एक घंटा रख सकते हैं. मेरे पास तो टाइम नहीं था इसलिए मैंने तुरंत ही इसको गैस पे चढ़ा दिया है. अब फ्लेम को हाई रखेंगे और 10 मिनट के लिए ढक दिया है. 10 मिनट बाद ये देखिए बहुत सारा पानी रिलीज हो चुका है चिकन से. अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे. ये चिकन का करी बहुत ही अलग तरीके से बना रही हूँ. अगर आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे ये रेसिपी का. ये बहुत ही इजी और शॉर्टकट है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है. पूरा प्रोसेस में चिकन को ढक के ही कुक किया है. ये देखिए फिर से 15 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ. यहाँ पे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि नीचे से जल ना जाए. ये देखिए चिकन का कलर टेक्सचर चेंज हो चुका है. अब इसको 15 मिनट बाद अब इसको फिर से ढक्कन हटा के चला लेंगे और इसको अब हाई फ्लेम में इसको भून लेंगे. मसाले और चिकन को अच्छे से भूनना है ताकि कच्चा स्मेल ना रहे. ये देखिए चिकन को बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पे भूनने में. अब यहाँ पे कुछ कटा हुआ आलू लेंगे, उसको भी इसमें डाल देंगे. आलू डाल के फिर से 5-10 मिनट मसाले के साथ भूनेंगे आलू को. पूरा प्रोसेस में ढक के ही पकाया है चिकन को ताकि हमारा चिकन जल्दी टेंडर हो जाए, जल्दी सॉफ्ट बन जाए. ये देखिए बहुत सारा तेल मसाले से रिलीज़ हो चुका है. हमारा चिकन आलू मसाला सब अच्छे से भून चुका है. अब इस स्टेज पे ग्रेवी के लिए पानी डालना है. पानी गर्म पानी डालेंगे. ग्रेवी के लिए गरम पानी ही डाला है. अब ग्रेवी आपको जितना चाहिए उसी के हिसाब से आप पानी डालिएगा. स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे. ग्रेवी में उबाल आ चुका है, इसको मिला लिया है. यहाँ पे मेरा चिकन बॉयल अच्छे से नहीं हुआ है इसलिए इसको फिर से ढक के 15-20 मिनट तक उबालना है मुझे. अगर आपका चिकन सॉफ्ट बन जाए तो आपका रेडी हो जाएगा. 15 मिनट बाद ये देखिए अब मैंने चेक किया है, ये मेरा चिकन रेडी हो चुका है. लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाल दिया है. बस अब रेडी हो गया हमारा चिकन का देसी चिकन का करी. गर्मा गर्म सर्व कीजिए, खाइए और सबको खिलाइए. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा. बाय.